यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बड़ी खबर इस वक्त देहरादून से मिल रही, पूरण सिंह फर्त्याल को मनाने की कोशिशें नाकाम हुई। पूरण सिंह फर्त्याल लोहाघाट से बीजेपी विधायक, उनको मनाने की कोशिशें नाकाम हो गई है। बहुत बड़ी खबर इस वक्त देहरादून से, पूरण सिंह फर्त्याल को मनाने की सरकार की कोशिशें नाकाम हुई है। सांसद अजय भट्ट, अजय टमटा को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि उनको मनाया जाए, उनको मनाने की जिम्मेदारी दोनों सांसदों के पास थी और कोर कमेटी की बैठक में समस्या का कोई हल नहीं निकला, केवल फोन पर बातचीत हुई पूरण सिंह फर्त्याल से। हमारे संवाददाता विनोद इस खबर पर ज्यादा जानकारियां देंगे। विनोद, कोशिशें हुई थी तो पूरण सिंह फर्त्याल नहीं माने, अभी ये खबर मिल रहे, क्यों नहीं मान रहे पूरण सिंह फर्त्याल, वो किस बात पर अड़े हुए हैं? जी राजीव, देखिए अभी जो पूर्व में कोर कमेटी, भाजपा संगठन की कोर कमेटी की बैठक देहरादून में हुई थी, उसमें पूरण सिंह फर्त्याल को मनाने के लिए सांसद अजय भट्ट और अजय टमटा को जिम्मेदारी दी गई थी कि वो उनसे जाकर बात करें, लेकिन करीब 15 दिन बीत गए हैं, अभी तक सिर्फ फोन पर ही यानी टेलीफोनिक वार्ता ही अभी विधायक और सांसद अजय भट्ट अजय टमटा की हुई है। लेकिन अभी ये भी माना जाए कि अभी एक और क्रम है बैठकों का, जिसके बाद में ये सूत्रों के अनुसार ये जानकारी मिल रही है कि पूरण सिंह फर्त्याल को मनाने की बेदमखम कोशिश जरूर यहाँ रहेगी, लेकिन ये जरूर माना जा रहा है कि लगातार अपनी सरकार पर और जीरो टॉलरेंस की सरकार पर सवाल खड़े करते आ रहे हैं विधायक पूरण सिंह फर्त्याल। वो अपनी मनमानी पर अभी अड़े हुए हैं, वो अभी नहीं सुन रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब तक इस भ्रष्टाचार के वो मुद्दे को उठाते रहेंगे, जब तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकलेगा, वो किसी की नहीं सुनेंगे। लिहाजा अभी जिम्मेदारी सांसद अजय भट्ट और अजय टमटा को दी गई है, लेकिन इसका कोई नतीजा, इसका कोई परिणाम अभी सामने नहीं निकल कर आया है। लेकिन अभी ये माना जा रहा है कि एक बैठक का क्रम और जारी है, जिसके बाद ही साफ हो पाएगा आखिरकार पूरण सिंह फर्त्याल मानेंगे या नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि लगातार संगठन के लिए एक अब समस्या बनती जा रही है पूरण सिंह फर्त्याल को लेकर। अब हालांकि उन्होंने उनको कारण बताओ नोटिस जारी पूर्व में किया था, जिसका उन्होंने 2 दिन के अंदर ही जवाब दे दिया था, लेकिन उसका भी कोई अभी तक समाधान नहीं निकला है। राजीव, ये महत्वपूर्ण होगा कि जीरो टॉलरेंस की सरकार को लेकर और जो टनकपुर जोलजीबी मार्ग में भ्रष्टाचार की बात को लेकर वो अपनी सरकार को घेरने की कोशिश में है, लगातार अब वो उनके रुख अलग हो रहे हैं, तो ये माना जाए कि जब तक उस मुद्दे का कोई हल नहीं निकलेगा तो पूरण सिंह फर्त्याल, यानी कि पूरण सिंह फर्त्याल अपनी बात पर टिके हुए हैं कि टनकपुर जोलजीबी मार्ग में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसको जो है पर्दाफाश किया जाए, उस मामले में कार्रवाई हो। विनोद, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो अभी एक और दौर की बैठक होनी है, बताया जा रहा बातचीत होनी है, जिसमें अल्मोड़ा सांसद अजय टमटा को जिम्मेदारी दी गई है और लगातार वो कोशिशें कर रहे हैं कि किस तरह पूरण सिंह फर्त्याल मान जाए।